नमस्ते मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। मुझे उम्मीद है आप घर पे फिट एंड फाइन हेल्दी होंगे। ठीक है, मेरा नाम पूनम परयानी है, मैं आपकी हिंदी विषय की शिक्षक हूँ। आज हम हिंदी में करने वाले हैं पाठ नंबर 8, मंगू का लट्टू, उसमें भाग नंबर 3। इसके बाद लास्ट वीडियो में हमने रीडिंग किया था लेसन नंबर 8 हमारा, जो रीडिंग उसके बाद की है भाग नंबर 3 में आज हम वो करेंगे। तो चलो सभी अपनी टेक्स्ट बुक निकालेंगे और हम लेसन को रीड करेंगे। चलो तो हम मंगू वाला चैप्टर जो हमारा पहले लास्ट वीडियो में आधा रीड हुआ था, अभी उसके बाद का रीडिंग करेंगे। मंगू उसे उठाकर घर ले आया। उसने उस पर एक लंबा और बड़ा धागा कसकर लपेटा और जमीन पर जोर से फेंका। लट्टू घूमने लगा सर सर। जो उसको लट्टू मिला था, अभी वो क्या करने लगा, उस पर जोर से रस्सी बांधकर उसको कस के घुमाने लगा ताकि वो चलने लगे। मंगू को लट्टू बीमार जैसा थका सा लग रहा था। उसने उसे उठाया और ध्यान से देखा। धाग भरा और सारे रंग उड़े हुए। मंगू ने पहले एक कपड़े से उसे साफ किया, फिर ईंट के एक टुकड़े से धीरे धीरे घिसककर चिकना किया। अभी उसके जो लट्टू मिला था, जब उसने चला तो उसको लगा कि ये क्या है, बीमार सा है, क्योंकि वो पुराने जैसा था। तो उसने क्या किया, उसको अच्छे से पहले कपड़े से साफ किया। उसके ऊपर बने दाग धब्बे कुछ कम हो गए। मंगू ने सोचा कि उसे वह तेल और रंगों से पोत देगा। उसकी माँ ने उसे तेल दे दिया। उसको ऐसा लगा ये पुराना है, तो उसको उनको क्या करना है, नया बनाना। तो इसलिए उसने सोचा तेल और रंग लगाकर उसको मैं अच्छा सा कर देता हूँ। तो उसकी माँ ने उसको तेल दिया। उसके पिताजी ने अपने एक दोस्त से मांग कर थोड़े से बचे हुए कुछ रंग ला दिए। तेल तो उसकी मम्मी ने दिया, लेकिन रंग जो थे वो किसने दिया, उसके पिताजी ने दिया। फिर देर किस बात की थी, मंगू ने अपना काम शुरू कर दिया। तेल लगाने से लट्टू चमकने लगा और रंग करने से वह दमक उठा। उसने जो तेल और रंग लगाया, उससे क्या हुआ, लट्टू मस्त सा चमक गया, क्योंकि पहले वो लट्टू पुराने जैसा था, लेकिन जैसे ही मंगू ने इस पर तेल और रंग लगाया तो वो एकदम नए जैसा हो गया। आगे का रीड करेंगे। आप भी अपनी टेक्स्ट बुक निकाल के रखे ना, सबको साथ में रीड करना है। अब उसने सूखने के लिए लट्टू को धूप में रख दिया। उसे सारा दिन और सारी रात सुखाया। जो उसने काम किया, जो उसने मेहनत की उस लट्टू पर, फिर उस लट्टू को उसने सारा दिन और सारी रात सुखाने के लिए रख दिया। फिर रात को मंगू ने चमकते हुए लट्टू को सपने में देखा। उसने जो पूरा काम किया वो उसको सपना आया, किसका, लट्टू का, कि मेरा लट्टू मस्त चमक रहा है, मस्त सा खिलौना हो गया है। सवेरे जब वह जगा तो उसने देखा कि लट्टू लुढ़क कर उसके पास आ गया था।
मंगू ने उसकी तरफ प्यार से देखा। कितना सुंदर लग रहा था, कितने सुंदर रंग थे उसके, लेकिन यह क्या ऊपर ही ऊपर, क्या पता अब यह लट्टू घूम ही न पाए। यह सोचकर मंगू उदास हो गया। उसे याद आया कि पहले लट्टू कैसे घूमा था। उसने फिर उस पर एक धागा कस कर लपेटा और जमीन पर घुमाकर फेंका ठीक है। उसको ऐसे लगा कि लट्टू पता नहीं है पहले जैसा चलेगा कि नहीं, या क्या वो उदास था, तो उसने जल्दी से रस्सी पर लगाकर और फिर से उसको चलाने की कोशिश की ताकि वह चलता है या नहीं। लट्टू सूरज की रोशनी में रंगों की छटा बिखेरता घूमने लगा सर सर। अब मंगू के पास अपना खिलौना था, उसका गोल गोल नाचने वाला रंग बिरंगा सुंदर सा लट्टू। अभी उसको लगा कि पहले लगा नहीं चलेगा, लेकिन जैसे उसने चला के देखा तो लट्टू तो मस्त चलने लगा। इससे वो क्या हो गया, खुश हो गया कि अभी उसके पास भी एक नया सा खिलौना आ गया, उसका अपना रंग बिरंगी लट्टू। सीख, इस लेसन से हमको क्या सीख मिलती है, खिलौने भी बच्चों के दोस्त होते हैं, वे उन्हें खुश रखते हैं। यानी खिलौने जो है वो भी क्या है, बच्चों के दोस्त है। आपको भी खिलौना मिलता है तो आप कैसे उसमें बिल्कुल घुस जाते हो, उसमें अच्छे से खेलते रहते हो, वैसे ही यहाँ पर बताया गया है कि बच्चे के जो दोस्त हैं वो खिलौना भी उनका क्या होता है, एक प्रकार से दोस्त होता है जिसके साथ वे खुश रहते हैं, हैप्पी रहते हैं। ठीक है, तो आज हमने ये लट्टू वाला लेसन जो है उसकी रीडिंग हमने यहाँ पर पूरी की। अभी नेक्स्ट वीडियो में हम इसका अभ्यास करेंगे। ठीक है, तब तक गॉड ब्लेस यू।